नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीफू टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, जीफू टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जीफू टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि जीफू टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में जीफू टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। जीफू टैबलेट सेफलोस्पोरिन ड्रग क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है। जीफू टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर जीफू टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर जीफू टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर जीफू टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर खांसी हो सकती है, इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर जीफू टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर जीफू टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। जीफू एक ब्रांड नेम है। जीफू टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सेफिरोक्सिम होता है। जीफू टैबलेट 250 mg व 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि जीफू टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। जीफू टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जीफू 500 mg कैप्सूल को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन जीफू टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको जीफू टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना जीफू टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको जीफू टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने जीफू टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि जीफू टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जीफू टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जीफू टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में जीफू टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्द और दस्त हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जीफू टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में जीफू टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। जीफू टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में जीफू टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को जीफू टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को जीफू टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं जीफू टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे जीफू टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को
कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर जीफू टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब जीफू टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जीफू टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जीफू टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जीफू टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।